सुरक्षा सबको, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो फिर उसको भी मालूम है कि कौन से लोक की यात्रा पे फिर निकलना है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये केराना इसका अपना इतिहास रहा है। कभी केराना घराना मशहूर था संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इसकी अपनी एक पहचान थी। पूरा भारत का फिल्म जगत अगर उत्तर प्रदेश के किसी एक अन्य कस्बे के प्रति उनके मन में एक आत्मीय लगाव था तो भाइयों बहनों उसमें से केराना भी एक महत्वपूर्ण जगह थी। लेकिन आज केराना घराने की पहचान को कुछ लोगों ने अपनी फितरत और अपनी नफरत की भावना के साथ इसकी पहचान को मिटाने का कुत्सित प्रयास किया। यहां के व्यापारियों को, यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था। आज मैं इसीलिए आया हूं, जो मांग आपने की थी 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएसी की इस बटालियन के आधारशिला को रखने के लिए, और भाइयों बहनों 1278 जवान यहां पर पीएसी के रहा करेंगे, और पीएसी का जब डंडा चलेगा तो बड़े से बड़े दंगाई अपने आप ही दूसरे लोक की यात्रा करता हुआ दिखाई देगा। अब वहां यहां पर अराजकता नहीं फैला सकता, और अगर फैलाएगा तो फिर उसको भी मालूम होगा कि इसके बाद कोई और चारा नहीं होगा गले में तख्ती लटकाने के सिवाय। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, ये विकास की परियोजनाएं जो यहां पर यहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगी। आपने देखा होगा केराना से बाईपास निकलना है, सामली बाईपास के रूप में विख्यात होगा। जाम की समस्या का समाधान सदैव के लिए, व्यापारिक गतिविधियां मुझे प्रसन्नता है 2017 के बाद, 2017 के पहले जो व्यापारी चले गए थे, प्लान कर गए थे, जिन लोगों ने भय और दहशत के माहौल में यहां से प्लान किया था, आज वे वापस आए हैं और उनको व्यापार में तेजी के साथ उन्होंने निवेश करके व्यापार को अपना बढ़ाया है। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं। और मैंने पहले भी कहा, मैंने पहले भी इस बारे में कहा है, प्रशासन से मैंने कहा है, जिन व्यापारियों के घरों में जनहानि और धनहानि उन अत्याचारियों ने की है, इस पर तो कार्रवाई कुछ पे हुई है, अगर इसके बाद भी कोई बचा है तो उसको भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दूसरा, उन पीड़न के शिकार हुए लोगों को हम सरकार की तरफ से भी मुआवजा देंगे, उनको हम सम्मान को आगे व्यवसाय कर सकेंगे, इसके लिए सरकार की तरफ से हम उन्हें सहायता उपलब्ध करवाएंगे। भाइयों बहनों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो हमारी पहचान है उस पहचान को हर हाल में बनाए रखें, और उस पहचान के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी न दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नौजवान, यहां का किसान, यहां की माताएं मेहनती हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए लालायित हैं, और आज उसको हम भी सरकार की तरफ से सहयोग करने के लिए आज यहां पर आए हैं। जिन भी लोगों ने यहां पर केराना को, जो कभी शास्त्र भारत के शास्त्रीय संगीत का एक केंद्र बिंदु हुआ करता था, भारतीय संगीत का एक केंद्र बिंदु हुआ करता था, और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र, जिन लोगों ने भी इस केंद्र को उजाड़ने का दुस्साहस किया है, मारीच और सुबाओ की तरह उनकी दुर्गति हुई है, और मारीच और सुबाओ की तरह ही उनको आने वाले समय में इसी दुर्गति का शिकार भी होना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।